तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 50 डेज ऑन ए जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। और जंगल ओनली वर्ल्ड है तो चारों तरफ हमें पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, और जंगल बायोम का खास बात यह है कि यहाँ पर दिन में भी मॉब्स स्पॉन होते हैं, तो मॉब्स का खतरा तो हमें हर वक्त रहने वाला है। और इस वीडियो के लिए मेरे पास कुछ गोल्स भी है, जैसे कि अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स को अप करना, अपने लिए एक सुंदर ब्यूटीफुल सा घर बिल्ड करना, और साथ ही साथ एंडर ड्रैगन को बीट करके गेम को खत्म करना। तो क्या मैं इन सारे गोल को कंप्लीट कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड में जाने होते ही मैं बिना किसी देरी के वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ और बना लेता हूँ उठ के कुछ बेसिक टूल। और सामने कुछ खाना दिख रहा था तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर दिया। फिर मैंने कुछ वुड तोड़ के चला गया जल्दी से माइनिंग पे, और फिर मैंने स्टोन की एक एक्स और एक पिकेक्स भी क्राफ्ट कर दिया। माइनिंग करते करते मुझे एक खुला हुआ एरिया मिला, जहाँ पर जाते ही मुझे कुछ आयरन मिला, साथ ही साथ एक कॉबवेब भी दिख रहा था और कुछ मकड़ियों के साउंड भी सुनाई दे रहा था। तो मैंने सोचा इधर एक माइनसाब हो सकता है, इसलिए मैं इधर उधर खोदना स्टार्ट किया ताकि मुझे माइनसाब जल्दी से मिल जाए। और माइनसाब मिलते ही दो जहरीली मकड़ी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने जैसे तैसे बच गया। फिर मैंने कलेक्ट किया ढेर सारा आयरन, और सारे के सारे आयरन को पकाने के बाद मैं उससे बना लेता हूँ एक पिकेक्स और एक शील्ड, और साथ ही साथ एक एक्स भी। फिर मैं कलेक्ट करता हूँ कुछ कोल, और तभी मुझे दिखता है एक ग्रीन मकड़ी जिसको मैं आसानी से मारता हूँ। और कुछ आगे जाते ही मुझे एक मकड़ी का स्पॉनर मिल जाता है, जहाँ से एक मकड़ी दौड़ी चली आ रही थी मुझे मारने के लिए। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वो मकड़ी ऊपर से मेरे ऊपर हमला बोल दिया, छुप के बैठा था भाई मुझे मारने के लिए, तो मैंने उसे भी उसके दोस्त के पास भेज दिया। फिर मैंने उन लोगों की बॉडीगार्ड को मारा और अंदर जाके जल्दी से स्पॉनर को तोड़ दिया। फिर मैं कलेक्ट करने लगा सारे के सारे कॉबवेब को, माइंड सबसे निकलने के बाद मुझे मिलता है एक बड़ा सा केप, जहाँ पर मैं चला जाता हूँ कुछ आयरन की तलाश में, लेकिन मुझे आयरन नहीं एक स्केलेटन जरूर मिल जाता है जो मुझे मार के खत्म कर देता है। किसी ने कुछ नहीं देखा तो कहाँ था मैं, हाँ वो स्केलेटन को तो मैं मार देता हूँ, वो स्केलेटन क्या चीज़ है। तो फिर मैं केप से जल्दी से बाहर आ जाता हूँ, और बाहर आकर देखता हूँ इधर तो बारिश हो रहा था और सामने काफ़ी ज़्यादा मेलन दिख रहा, तो मैंने सारे के सारे मेलन को कलेक्ट कर लिया। लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुका था, इसलिए मैं एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पूरा का पूरा पेड़ को ही खोद डाला। और पेड़ काटते काटते रात हो गई तो मैं पेड़ के ऊपर ही सो गया। सुबह उठ के मैंने बचे हुए पेड़ को काटा और माइन किया हुआ आयरन को स्मेल्टिंग में लगाया। फिर मैंने अपनी मिलिट्री चेक करी, जिसमें एक पावर 2 का बो था, पता नहीं ये कहाँ से आया, इसकी हेल्थ पूरा फुल था, शायद वो स्केलेटन ने गिराया होगा। लेकिन इसका हेल्थ फुल कैसे हो सकता है, पता नहीं ये माइनक्राफ्ट का कुछ ग्लिच होगा शायद। तो सारे के सारे आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं बना लेता हूँ उससे अपनी सारे के सारे आर्मर और टूल्स। और अब मैं हो चुका था पूरी की पूरी आयरन में कवर, अब थोड़ा सा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कलेक्ट करता हूँ कुछ सिगर किन, जो कि आगे जाके मेरा बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, लेकिन क्यों जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो। सुबह उठ के मुझे एक पैरट दिखता है जो बेचारा पानी में तैर रहा था, तो मैंने जाके उसको टेम कर लिया। फिर मुझे एक केप दिखा जहाँ पर मैं कुछ कोल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पैरट चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इधर क्रीपर है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और तभी हुआ ये। लिटरली मैं हाफ हार्ट में जिंदा बचा था, इस पैरेट की बात तो भाई माननी पड़ेगी, परिणाम मरना था। फिर मैं केप से निकल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा, और तभी मुझे दिखता है एक जंगल टेंपल जो कि पानी के बीचों बीच था। वो जंगल टेंपल से मैंने कलेक्ट किया कुछ एरो और दो आर्मर स्टीम, और इसमें डायमंड भी था और कुछ आयरन के साथ कुछ बोन, और दूसरी चेस्ट में था दो आर्मर स्टीम, कुछ गोल्ड और कुछ आयरन। सारा के सारा चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ दोबारा से एक्सप्लोर करने, तभी मुझे रास्ते में दो पैरेट और मिलता है, दोनों को ही मैं जल्दी से टेम कर लेता हूँ। और फिर रात हो जाता है इसलिए मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ के सो जाता हूँ। सुबह उठ के दोबारा से एक्सप्लोरेशन चालू, एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखता है एक रुइन पोर्टल जिसकी चेस्ट में ठीक ठाक सा लूट था, दो गोल्ड के ब्लॉक भी था जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, और तभी हो गया रात इसीलिए मैं वहाँ पर ही सो गया। घूमते घूमते मुझे एक और जंगल टेंपल दिखता है जिसके चेस्ट में भी खास कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी होता है कलेक्ट कर लेता हूँ। तो काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे एक अच्छा सा लोकेशन दिखता है जहाँ पर मैं अपने घर को बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये रहा वो लोकेशन, और ये पेड़, इस पेड़ के ऊपर ही मैं अपने घर को बिल्ड कर सकता हूँ, और ये वाला पेड़ इस जंगल की सबसे ऊँचा पेड़ है जहाँ से मैं पूरे जंगल को क्लियरली देख सकता हूँ। ओके, तो अब मैं घर बनाने के लिए जो जिस सामान की ज़रूरत है वो कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
ओके तो गाइस, मैंने घर बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सारा सामान जुगाड़ कर चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से अब घर को बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जैसे को आप लोग देख सकते हो मेरा घर पूरा बन के तैयार है। और ये घर कैसा बना है आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और इस घर को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे आप लोग। और ये रहा अपने घर का एंट्रेंस, और अंदर में कुछ खास नहीं, कुछ सिस्ट और फर्नेस वगैरह रखा है मैंने। और ये है हमारे घर का बैल्कनी जिससे हमें पूरा जंगल दिखता है। और इधर मैंने एक सीढ़ी भी बना दिया है नीचे जाने के लिए, जो कि मैं दिखाना भूल गया वीडियो में, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं अपने घर के बगल में ही एक केव बनाने लगा ताकि मैं माइनिंग करने जा सकूं। तो नीचे स्टीम माइनिंग करते करते मैं नीचे गिर गया, जो कि मैं वीडियो में दिखाना भूल गया। और रात भी हो रहा था तो सोचा सो कर ही चलते हैं, तो जल्दी से मैं सो गया। सुबह उठ के मैंने एक वाटर बकेट बनाया जिसमें मैंने पानी भरा और चला गया दोबारा से केव में, जहाँ पर पानी डाल के मैं पानी की मदद से धीरे धीरे नीचे जा रहा था ताकि मैं नीचे ना मरूं। नीचे जाके जल्दी से मैंने अपना सारा सामान को कलेक्ट किया, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखा एक और स्केलेटन जो कि मुझे तीर मारने में लगा हुआ था। मैं जल्दी से अपने आप को ब्लॉक से कवर करना चाह रहा था, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने आके मुझे मार दिया। तो मैं केव में दोबारा से पहुंच गया, लेकिन इस बार मुझे नहीं मरना था, इसलिए मैं जल्दी से जाकर अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया और अपने आर्मर को पहन लिया ताकि मैं थोड़ा सा स्ट्रांग तो बन ही जाऊँ। फिर मैं केव को काफ़ी देर तक एक्सप्लोर किया, लेकिन मुझे रेडस्टोन के अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने डायमंड माइनिंग करने को सोचा। और मैं चले गया भाई लेवल -9 पे, जहाँ जाकर मैंने काफ़ी ज़्यादा डायमंड माइन किया। और फाइनली माइन करते करते 41 डायमंड मेरे पास हो गया था। तो मैंने सोचा कि इतना डायमंड तो एनफ है, इसीलिए मैंने अपना आर्मर केव के अंदर ही बना लिया और सारे के सारे टूल भी, और जल्दी से ऊपर बाहर चला आया। और मैंने जो ऊपर पानी डाल के आया था, वो पानी में जाते जाते मेरी सांस फूल गई और मैं ऊपर जाने से पहले ही मर रहा था। और मैं नीचे कुछ ब्लॉक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लॉक तो लग गया लेकिन मैं वहाँ पर ही मर गया। तो मैं दोबारा से वहाँ पहुँच गया और एक डार्क ब्लॉक को उस पानी के ऊपर रख दिया ताकि पानी सूख जाए। और पानी सूखने के साथ साथ मैंने नीचे जाके अपने सारे सामान को कलेक्ट कर लिया और अपने आर्मर को भी पहन लिया, और दोबारा से जल्दी से ऊपर चला आया। ऊपर आके मैंने सारा सामान चेस्ट में रख दिया और सारे के सारे डायमंड टूल को जल्दी से बना लिया। और अब मैं लग रहा हूँ ना खतरनाक, आप लोग बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। इसके बाद मैं बना लिया कुछ वाटर बकेट ताकि मैं उसमें लावा भर के ला सकूँ केव से, क्योंकि अब नेदर में भी तो जाना है ना। एक बकेट, दो बकेट, तीन बकेट, तो केव में तो मुझे टोटल 3 बकेट ही लावा मिला, इसीलिए मैं डिसअपॉइंट होकर बाहर आ गया। जंगल में मुझे 2 पांडा मिला जिसको मैंने बैम्बू की मदद से अपने घर ले आया और एक छोटा सा जगह बना के उन दोनों को उसके अंदर घुसा दिया, और उनके बगल में एक बैम्बू भी लगा दिया ताकि उसका जब मन करे वो तोड़ के खा सके।
उसके बाद मैंने जंगल में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए चला गया ताकि मुझे कुछ लाभ मिल जाए तो मैं वहाँ से इजीली लावा ला सकता हूँ। और जाते जाते मुझे दिखा एक रुइन पोर्टल जहाँ पर लावा तो इजीली मिल जाएगा और साथ ही साथ ऑब्सिडियन भी, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके मैंने देखा काफी सारा लावा है, तो वहाँ जाके मैंने काफी सारा लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया। और चेस्ट खोल के देखा तो वहाँ पर एक एन्चेंटमेंट गोल्डन एप्पल था और कुछ गोल्डन एकेड या टूल। फिर मैंने सारे के सारे ऑब्सिडियन को तोड़ने लगा और उसको लेकर जल्दी से वापस आ गया। वापस आते हुए मुझे एक पैरेंट मिला जिसको मैंने टेम कर लिया और उसको अपने कंधे में बिठाकर जल्दी से निकल गया अपने घर की तरफ। तो घर पहुंच के पहले तो मैंने जल्दी से सो गया क्योंकि बारिश हो रहा था, बारिश को रुकना था। और सुबह उठ के मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने को सोचा और ये जंगल बायोम है तो एक पेड़ के अंदर ही हम लोग अपना नेदर पोर्टल बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना उसको स्टार्ट करते हैं। पोर्टल बनाते बनाते एक थंडर गिरा जहाँ से चार स्केलेटन और सर चार स्केलेटन स्पॉन हो गए जो कि मुझे मारने में तुले हुए थे, इसलिए मैंने जल्दी से आकर अपने घर में छुप गया और दोबारा से प्रिपेयर होके जाकर उन सभी को बचा चुका दिया धुंधा मार के। और एक स्केलेटन हॉर्स को चुरा के अपने फार्म में लेकर बांध दिया और फिर मैं अपने रूम में आकर सो गया। और सुबह उठ के मैंने फाइनली अपने नेदर पोर्टल को भी कंप्लीट कर लिया और उसके अंदर सीधा चला गया देखने के लिए कि लोकेशन क्या मिला है हमें। और मैंने जाते ही देखा कि रेड फॉरेस्ट में हमारा लोकेशन मिला है जो कि ठीक ठाक सा है। फिर मैं नेदर से जल्दी से बाहर आ गया क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था नेदर में जाने के लिए। 2000 years later. और मेरे पास खाने की भी कमी हो रही थी इसीलिए मैंने एक फार्म बना दिया, वीट फार्म, जिस जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा वीट उगाया और उससे बनाया काफ़ी सारा ब्रेड। और उस सभी ब्रेड को लेकर मैं जल्दी से चला गया नेदर में ब्लेज रॉड इकट्ठा करने के लिए। नेदर में जाते मुझे कुछ गोल्ड दिखा, मैंने सोचा कि गोल्ड को तोड़ लेते हैं ट्रेडिंग करने के काम आएगा, लेकिन मैंने देखा कि कुछ पिगलिन ने मुझे ये गोल्ड तोड़ते हुए देख लिया है और वो लोग आके मुझे ही तोड़ दिया। तो दोबारा से नजर पहुंच के मैंने सारा का सारा अपना सामान कलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा गोल्ड का पैन जो है वो ये पंदा लेकर घूम रहा था जो कि मैं इससे नहीं छीन सकता और इसे मारा भी तो दूसरे बंदा आके मुझे मारने लग जाएगा। और इसको नीचे फंसाने के लिए मैंने जैसे ही नीचे का तोड़ा और गलती से एक गोल्ड ब्लॉक फिर से टूट गया और ये लोग मिलके दोबारा से मुझे तोड़ दिया। और इस बार मैं मरने वाला बिल्कुल नहीं था इसलिए मैंने इस बंदे को ऐसे टप करके उससे सारा का सारा सामान छीन लिया और दोबारा से निकल गया एक फोर्टेस की तलाश में। फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद मुझे एक फोर्टेस मिल गया और सामने ही विलेज का स्पॉनर भी था जहाँ से मैंने विलेज को मारना स्टार्ट कर दिया। इना ब्लेज रॉड इकट्ठा करने के बाद मैं स्पॉनर को तोड़ के जल्दी से निकल लेता हूँ अपनी पोर्टल की तरफ। ओवरऑल में वापस आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सारे जानवर मर चुके हैं पता नहीं कैसे, लेकिन शायद उन लोगों के ऊपर थंडर गिर गया होगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैं जाके सो जाता हूँ चुपचाप से क्योंकि रात हो रहा था और बारिश भी। सुबह उठ के मैं एक दुकानदार से मिला जो अपना सामान काफी महंगे में बेच रहा था, तो मैंने उसका दुकान ही बंद कर दिया और दोबारा से चला गया नेदर में एंडर पल इकट्ठा करने के लिए। नेदर में एंटर होते ही अब मैं दूसरी साइड को जाने वाला था ताकि मुझे वो ग्रीन वाला वायर मिल सके। और लिटरली काफी ज्यादा देर तक चलने के बाद मुझे वो ग्रीन वाला वायर मिल ही गया। तो अब मारते हैं काफी सारा एंडरमैन को और उससे कलेक्ट करते हैं एंडरपर्ल। ओके, तो काफी सारा एंडरपर्ल हो जाने के बाद मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने होटल की तरफ और जल्दी से निकल लेता हूँ ओवरऑल की तरफ। घर आके मैंने ब्लेज पाउडर से बना लेता हूँ आई ऑफ एंडर और जो मैंने 3 बकेट लावा लेके आया था उसको कन्वर्ट कर देता हूँ ऑब्सीडियन में। और तीनों ऑप्शन को कलेक्ट करने के बाद मैं बनाने लगता हूँ एक एन्चेंटमेंट टेबल जो कि बन नहीं पाया क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था, इसलिए मैं चला गया एक सुगर किन की तलाश में। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी सुगर किन नहीं मिलता, पता नहीं क्या हो गया। सुगर किन मिलना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं मिल रहा था। सुगर किन ना मिलने की वजह से मैं डिसअपॉइंट आकर घर ही आ रहा था कि मेरे सामने 3-3 के पराके फट गया। कुछ भी रात हो रहा था लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसी वजह से ये हुआ। तो दोबारा से मैं जाके सारा सामान कलेक्ट करके लेके आया और रास्ते में 2 काउ भी मिल गए तो मैं उसे लीड की मदद से अपने घर लेके आ गया। इससे हमारा लेदर का प्रॉब्लम और खाने का प्रॉब्लम दोनों सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ उन दोनों को ब्रीड भी करा दिया और उनके पीछे से निकल गया एक छोटू सा बच्चा और फिर घर जाकर मैं सो गया।
तो गाइस फाइनली हम लोग जंगल ओल्ड वर्ल्ड में 50 डेज सरवाइव कर चुके हैं। वो बात अलग है कि मैं कभी बार मरा, लेकिन मरेंगे तभी तो सीखेंगे। और हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ड्रैगन की एड के साथ साथ एलाइट्रा भी लेके आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो वो वाला पार्ट जल्दी जल्दी आ जाए तो आप लोग वीडियो करो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड पीस आउट।